हेलो दोस्तों, मैं हूं निहार और फिर से एक बार आपका स्वागत है डीएन डेवलपर में। और हमारी जो सीरीज़ है मोबाइल प्रोग्रामिंग की, उसका ये दूसरा वीडियो है। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया था कि क्या हम प्रोग्रामिंग मोबाइल में सीख सकते हैं या नहीं, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो मैं आपको आई कार्ड के ऊपर दिख जाएगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सोलोलर्न में लॉगिन कर लिया है और ये मेरी प्रोफाइल है डीएन डेवलपर, हमारा जो चैनल है उसकी प्रोफाइल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ऊपर की तरफ प्रोफाइल पिक्चर है, उसके बाद हमारा नाम है, उसके बाद हमारा लेवल जो है लेवल 12, और उसके साथ साथ एक्सपी है। एक्सपी एक्चुअली इसलिए दी जाती है ताकि लोग मोटिवेटेड रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करें। और उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कि कोड्स, पोस्ट, एक्टिविटी, स्किल्स, बैजेस, ये सारी हैं। और बैजेस जो है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बैजेस दिए जाते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे एक बैज मिला है 200 चैलेंजेस जीतने पे, जिसमें लिखा हुआ है विन 200 चैलेंजेस यूजिंग वन वीपन। मतलब जब आप 200 चैलेंज जीतते हैं कोई भी एक वीपन का इस्तेमाल करके, तभी आपको ये बैज मिलेगा। वैसे अलग अलग बैजेस हैं, वो अलग अलग जो है चैलेंजेस पूरे करने पे आपको मिलेंगे। ऐसा इसलिए दिया जाता है ताकि आप मोटिवेटेड रहें। और उसके बाद अब हम देखते हैं हमारा जो डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में यहाँ पे आपको दिखेगा कि कितने विजिट्स हैं और नियर बाय लर्नर्स कितने हैं। और उसके बाद हमारी जो रैंकिंग है परसेंटेज में आपको यहाँ पे दिखाई जाएगी। उसके बाद नीचे जो है डेली गोल, यहाँ पे 35% डेली गोल, मतलब कि मैंने आज ऐप कितना यूज़ किया है उसके हिसाब से आपको डेली गोल दिया जाता है। और उसके बाद नीचे अगर आप हम देखें तो हमने अपना जो पोस्ट भेजा है, एक काफ़ी अच्छा पोस्ट है जो हम रोज़ भेजा करते हैं, और बहुत सारे लोग हमारे पोस्ट को लाइक भी करते हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है सोलोलर्न और हमारे पोस्ट देखने हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोलोलर्न पे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ऐसे कुछ पोस्ट हैं हमारे। और उसके बाद अब हम देखते हैं कोर्स सेक्शन। तो कोर्स सेक्शन में आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि कोर्सेस। कोर्सेस में CSS फंडामेंटल कोर्स है, अगर आपको पाइथन सीखना है तो पाइथन का कोर्स है, सी कोर्स है, और HTML फंडामेंटल। इतने कोर्स मैंने सिलेक्ट किए हैं इसलिए यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। बाकी बहुत सारे कोर्स हैं इसमें, इनके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इन कोर्सेज के बारे में, ताकि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कोडिंग चैलेंजेस जो हर हफ्ते दिए जाते हैं। और इतना ही नहीं, इस पर आपको XP भी दी जाती है इन चैलेंजेस के हिसाब से। और अब हम देखते हैं होम सेक्शन में। तो होम सेक्शन में सबसे पहले जो है एक पोस्टिंग सिस्टम अवेलेबल है, जहाँ पे आप यूज़ करके पोस्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जब हम व्हाट्स गोइंग ऑन पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे पोस्ट लिख सकते हैं और कोई फ़ोटो वगैरह भी डाल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले में दिखाया था, एक पोस्ट मैंने जो भेजा था वो यहाँ से भेजा जाता है। और उसके बाद नीचे जो एक्टिविटी फीड है, यहाँ पर जो ट्रेंडिंग एक्टिविटी होती है इस ऐप की, या फिर कोई डिस्कशन हो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अभी ट्रेंडिंग डिस्कशन चल रहा है, विल सी लैंग्वेज बी रिप्लेस्ड इन द फ्यूचर। और इसके जो डिस्कशन के बारे में और ज़्यादा जानना हो तो आप ओपन कर सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लोगों ने पोस्ट किए हैं और मेरे जो फॉलोअर्स हैं उन लोग का जो एक्टिविटी है वो सब मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। और उसके बाद ऐसे कई पोस्ट आपको दिख जाते हैं होम सेक्शन में, जो कि आपके फॉलोअर्स के हो या आपके खुद के हो। उसके बाद हम चलते हैं कोडिंग पार्ट पे। तो यहाँ पे आपको जो है कोड प्लेग्राउंड, ये है इस सेक्शन को हम कोड प्लेग्राउंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी जो है लैंग्वेज का इस्तेमाल करके एक अच्छा सा कोड लिख सकते हैं। जब आप किसी भी लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे तो कोड एडिटर खुलेगा। जैसे कि ये HTML का कोड एडिटर है, यहाँ पे आप जो है कुछ भी टाइप करके लिख सकते हैं। तो ये मैं आपको बाद में दूसरे वीडियो में बताऊंगा, अगर मैं अभी बताने चला तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और उसके बाद हम चलते हैं चैलेंजेस सेक्शन में। तो यहाँ पे जो है हमने आज जो चैलेंजेस किए हैं वो आपको दिख जाएंगे, और दूसरे लोग जो हमें चैलेंज करते हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे जो प्लस पे क्लिक करेंगे तो हमें चैलेंज करने का मौका मिलेगा। हम कोई भी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके चैलेंज कर सकते हैं, जैसे कि HTML है, JavaScript है, C++ है, PHP, जावा, पाइथन, C#, रूबी और सी। और इसके नीचे है क्विज़ फैक्ट्री, जहाँ पे आप अपना क्विज़ भी बना सकते हैं। और ऐसे काफ़ी सारे जो फीचर्स हैं यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट फीचर जो है वो है
डिस्कशन का, यहाँ पे आपको जो अलग अलग डिस्कशन जो चल रहे हैं, जो कि ट्रेंडिंग डिस्कशन है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और आप भी अपना क्वेश्चन पूछ के एक डिस्कशन शुरू कर सकते हैं। और काफ़ी एक्टिव रहते हैं इस ऐप पे लोग कि आपका जो क्वेश्चन होगा उसको, आपका जो रिप्लाई होगा वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा ऐप है जिसमें आप चैलेंज कर सकते हैं, अपना कोड बना सकते हैं। इससे साथ साथ आपको कम्युनिटी सपोर्ट भी मिल रहा है दूसरे जो एक्सपर्ट डेवलपर का, जिनके साथ आप इंटरेक्ट करके आपकी अपनी जो प्रोग्रामिंग स्किल है उसको और भी डेवलप कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप स्किल सेक्शन में देखें तो स्किल सेक्शन में आपकी जो रैंकिंग है, इंडिया रैंकिंग, वो भी आपको दिख जाती है। और इसके साथ साथ जो दूसरे स्किल्स हैं जैसे कि इन्फ्लुएंसर, चैलेंजर, कंट्रीब्यूटर, लर्नर, कोडर, ये जो है मुझे कुछ कुछ परसेंटेज मिले हैं, ये उनके हिसाब से कैलकुलेट किए जाते हैं। उसके बाद मैंने कितने चैलेंजेस खेले हुए हैं, जो ग्रीन सेक्शन है वो मेरे द्वारा जीते गए चैलेंजेस को रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरे सेक्शन से वो मेरे द्वारा हारे और ड्रॉ हुए चैलेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। और बस इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो जो है उसमें मैं आपको बताऊँगा कोर्सेज के बारे में, कैसे आपको कोर्स सिलेक्ट करना है इसमें और कैसे आप जो है अपने मनपसंद कोर्स को सिलेक्ट करके उसको एनरोल करके उसके बाद उसकी जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको इस ऐप से मिल सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको इससे रिलेटेड और कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DN Developer।